तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एच सी एल इन्फो सिस्टम के स्टॉक के बारे में। एच सी एल इन्फो सिस्टम के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर पहले क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर 20 के लेवल के अराउंड यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.31% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 16.60 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 17.85, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 19.30, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी अगेन 20.75, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 22.50, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 24-25 तक के टारगेट्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 15.45 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 14.45 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 13.85 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।